हाय गाइज, वेरी वेरी वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल बी सिंपल बी स्मेली। आज की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ दुर्गा पूजा हॉल। तो इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगाई हैं, मैंने बस एक साड़ी ली है एंड दुर्गा पूजा आने वाली है। मैंने मंगाई तो मैंने दो चार साड़ियाँ थी बट वो मुझे रिसीव नहीं हुई एंड दुर्गा पूजा जब तक आएगी तब तक ऑफर निकल जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए मैं जस्ट मैंने इसमें दुर्गा पूजा के लिए ज्वेलरी मंगाई है एंड मैंने साड़ी मंगाई है। सो गाइज, काफ़ी अफोर्डेबल है, अगर आपको साड़ी मिल जाएगी पर आपको ज्वेलरी मिल जाएगी एंड सो प्राइस जो भी है उसकी लिस्ट आपको यहाँ मिलेगी, प्रोडक्ट की डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। एंड मीशो क्या है, मीशो एक रीसेलिंग ऐप है, इंडिया का नंबर वन ऐप है ये। एंड यहाँ से अगर आप जब भी कुछ ख़रीदते हो तो आपको अर्निंग होती है, मीशो से आप अर्निंग कर सकते हो अच्छी खासी। अर्निंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जस्ट वहाँ पर एक कैटलॉग दी गई होती है, इस कैटलॉग को आपको अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर आपको शेयर करनी होती है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सो वहाँ पे वो जब उस ऑर्डर को कंफर्म करते हैं तो आपको वो बताते हैं कि आपको ये उनके सेल उनके लिए देना है, तो आप उसे ऑर्डर कीजिए एंड उसका एक मार्जिन होता है। जैसे कि 200 रुपीज़ की कोई चीज़ है तो आप उसे इजीली 500 तक सेल कर सकते हो, बाकी का जो 300 रुपीज़ जो है वो आपको मार्जिन है, वो आपको 7 डेज़ के अंडर अंडर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 7 डेज़ में की पॉलिसी इसलिए होती है क्योंकि 7 डेज़ तक मीशो की एक्सचेंज एंड रिफंड वाली पॉलिसी जब ख़त्म हो जाती है तब आपको जो प्राइस है आपका मार्जिन जो है वो तब आपके अकाउंट में आता है। इस तरीके से आप मीशो से पैसे कमा सकते हो एंड मीशो से आप अगर आप खुद के लिए कुछ ले रहे हो तो आप मत लगाना मार्जिन, कोई फ़ायदा नहीं है। सो अपने लिए आप मार्जिन मत लगाइए, आप जब दूसरों को लेकर दे रहे हैं तो आप उसमें मार्जिन लगा लीजिए। एंड गाइज, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मीशो कभी भी ये नहीं बताता है कि वो प्रोडक्ट मीशो के थ्रू जा रहा है, ठीक है? तो आपको इस बात की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि बाद में जो आपका क्लाइंट है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, उन्हें पता चल जाएगा कि भैया ये मीशो से आया है, तो बिल्कुल नहीं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलने वाला कि ये चीज़ें मीशो से आई हैं। आज लाइटिंग का आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि लाइट मेरा एक बल्ब पता नहीं क्या हो रहा है क्योंकि मेरे घर पर पेंट हो रहा है एंड उन पेंट वाले भैया से पता नहीं मेरे बल्ब में क्या कर दिया उन्होंने, आई हैव नो आइडिया, मैंने अभी जस्ट चेक किया। सो मीशो से है क्योंकि फेस्टिव घर पे काम चल रहा है, दिवाली आ रही है एंड फेस्टिव सीजन आ गया है भाई, घर के साथ साथ अपने वीडियोस का काम तो हमें करना ही होता है, तो मैं अपने वीडियोस का जो मेरा सामान है मैंने यहाँ पे लगा रखा है इस टाइम। सो विदाउट एनी वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर बताना कि आपको ये वाला हॉल कैसा लगा। एंड इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मैं अगेन आपको कह रही हूँ, इसमें सिर्फ मैंने एक साड़ी मंगाई है एंड ज्वेलरी है, दैट्स इट, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकती थी क्योंकि फेस्टिव सीजन ऑलरेडी आ चुका है, नवरात्रि आ चुकी है, चल रही है हमारी एंड दुर्गा पूजा जो है वो आने ही वाला है, तो जब तक आप आराम से इस साड़ी को मंगा सकती हो क्योंकि अगर 2-4 दिन बाद वो साड़ी आई तो आप बिल्कुल क्या फ़ायदा उस लेने का जब आपको टाइम पर नहीं मिलेगी, ठीक है? तो दुर्गा पूजा के लिए ये वाली साड़ी बेस्ट है एंड सभी मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। पहले तो ये साड़ी है अंडर 500 रुपीज़ दे दीजिए, ठीक है? 500 में आपको ये साड़ी ईजिली मिल जाएगी। ये इसका ब्लाउज पीस है, सो ठीक है, ब्लाउज पीस जो है वो काफ़ी सही वाला है एंड आपको इस पर ब्लाउज़ की काफ़ी अच्छी मिल जाता है कपड़ा ब्लाउज़ के लिए। एंड साड़ी बिल्कुल प्लेन है तो रेड कलर का ब्लाउज़ यहाँ पे आपको दिया गया है। सो ब्लाउज़ पे ये वाला वर्क हो रहा है, इस पर छोटे छोटे मटके बने हुए हैं गोल्डन वर्क से, ठीक है? शाइनिंग वाला, इसकी शाइनिंग जो होती है उस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? शाइनिंग वर्क हो रहा है इस पर गोल्डन और रेड कलर से, इस तरीके का आपको इस पर बॉर्डर मिल जाता है पतला पतला एंड ब्लाउज पीस के लिए काफ़ी सही वाला कपड़ा दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे आप चाहो तो इतने कपड़े में फुल स्लीव्स भी आपकी निकल जाएंगी, ठीक है? तो आप जैसे चाहो वैसा ब्लाउज बनवा सकते हो। अब बात करते हैं साड़ी की, तो साड़ी जो है वो ये है, ठीक है? वाइट कलर की साड़ी है, आपने देखा होगा दुर्गा पूजा में सब लोग वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन पहनते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपको गोल्डन कलर का इस तरीके का वर्क मिल जाता है, शाइनिंग वाला वर्क है, आप देख सकते हो, ठीक है? रेड कलर की आपको यहाँ पे पाइपिंग मिल जाती है पूरी साड़ी पे, ये है वो साड़ी, ठीक है? काफ़ी अच्छा वाला कपड़ा दिया गया है इसमें, आप देख सकते हो बहुत ही हल्का कपड़ा है इसका एंड दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है? कॉटन की साड़ी है, बहुत हल्का लाइट वेटेड कपड़ा दिया गया है इस पर, आपको इस तरीके का बॉर्डर मिल जाएगा, पहनने के बाद आपको बहुत ही यूनिक और क्लासी लुक देती है ये, क्योंकि बंगालीज जो होते हैं उनको ना लाइट वेटेड ज़्यादा पहनते हैं वो लोग एंड उनके लिए ये वाली साड़ी वो बेस्ट है क्योंकि अफोर्डेबल है। आपको इस पर प्रिंटेड और डिज़ाइनर ब्लाउज भी मिल जाता है, तो आपको डेफिनेटली ये वाली साड़ी बाय कर लेनी चाहिए। एंड इस तरीके का आपको यहाँ पर ये प्लेन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कोई बॉर्डर नहीं मिलेगा क्योंकि जस्ट आपको ये
लॉट आपको नीचे प्लेट्स के लिए दिया गया है ये, एंड बाकी की पूरी साड़ी पे आपको बॉर्डर है। सो आप डेफिनेटली इसको, इस वाली साड़ी को बाय कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। क्योंकि ये साड़ी प्लेन है तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी तिगड़म लगाया है, एंड मैंने तिगड़म करके क्या किया है। सो अब बारी आती है ज्वेलरी की। सो ज्वेलरी में क्या है, सो क्योंकि साड़ी वाइट कलर की है, गोल्डन कलर की है, रेड कलर की है, तो मैंने इसके लिए मंगाया है ये वाला नेक पीस। ठीक है, सच अ ब्यूटीफुल पीस, क्योंकि यहाँ से आपको वाइट कलर के पर्ल्स मिल जाते हैं, गोल्डन का आपको यहाँ पे ये देख सकते हो। ठीक है, रेड पे गोल्डन का वर्क है, रेड कलर का नेक पीस है। ये जो नेकलेस है ये वेयर करने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा। रेड कलर के नेकलेस पे आपको स्टोन वर्क मिल रहा है, एंड ये जो स्टोन वर्क है, जो आप फ्लावर देख रहे हो वो स्टोन से बनाए गए हैं। उसके बाद आपको इसमें इसके मैचिंग इयररिंग्स भी मिल जाएंगे, पर्ल्स का वर्क दिया गया है इस नेकलेस पे, एंड गोल्डन वर्क भी है। आप इसे अपनी किसी भी साड़ी के साथ इजीली मैच कर सकते हो। दिवाली आ रही है, करवा चौथ आ रही है, उन फेस्टिवल्स के लिए आप इसे परचेज कर सकते हो। एंड बहुत सारे नेक पीसेस मंगाए थे लेकिन मुझे इस साड़ी के लिए कोई भी ठीक नहीं लगा, तो मैंने ये वाला नेक पीस चूज़ किया है साड़ी के लिए। बहुत ही जल्दी आपको मेरा एक और नया ज्वेलरी हॉल देखने को मिलेगा जिसमें मैंने रानी हार भी मंगाया था। तो ये वाला जो नेकलेस है मैंने स्पेशली इस साड़ी के लिए चूज़ किया है, क्योंकि इसके साथ ही डेफिनेटली जा रहा था, एंड आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आपकी इस साड़ी पे बेहद खूबसूरत लगने वाला है, क्योंकि गाइज रेड कलर की साड़ी है, तो मैंने स्पेशली ये इसी वाली के लिए साड़ी के लिए मंगाया है। एंड डेफिनेटली आप इस वाले नेक पीस को और इस वाली साड़ी को बाय कर सकते हो, क्योंकि क्या है ना, बंगालीज के लिए ये वाला जो ओकेशन होता है दुर्गा पूजा का, ये बेहद इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से हम लोग अपने नवमी होती है या फिर नवरात्रि चलते हैं, एंड दिवाली होली वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, उस तरीके से दुर्गा पूजा यानी कि बंगालीज के लिए दुर्गा पूजा बेहद वो उतने अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं ना यार, मतलब मैं बता ही नहीं सकती। तो इसलिए वो लोग क्या करती हैं, बहुत लाइट वेटेड कपड़े पहनती हैं, एंड आपने देखा होगा बंगालीज को ज़्यादातर, आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, अरे टीवी सीरियल में देख लिया होगा, कहीं तो देखा होगा। तो वो लोग बहुत लाइट वेटेड कपड़े पहनती, क्योंकि वो धुएँ से वो मटके लेकर वो डांस जो करती हैं, तो बेहद वो उनका जो लुक होता है बेहद, मतलब आई लव दिस लुक, बेहद खूबसूरत लगता है वो। सो इसीलिए स्पेशल ये वाला वीडियो जो है मैंने उन लोगों के लिए बनाया है, जो भी बंगालीज इस वाले वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। दिखा रही हूँ इस टाइम, एंड इसी नेक पीस में आपको मिल जाते हैं इयररिंग्स भी मिल जाते हैं आपको, तो आपको ज़्यादा तामझाम करने की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ, अब मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ वाली नेक पीस। ठीक है, ये देखिए, ये इसकी इयररिंग्स हैं, रेड गोल्डन पर्ल के आपको तीनों कॉम्बिनेशन मिल जाता है। मैंने स्पेशली इस साड़ी के लिए ही मंगाए हैं, क्योंकि इसमें रेड कलर का वर्क है, इसमें गोल्डन कलर का वर्क है, इसमें वाइट कलर का वर्क है, तो ये वाले जो इयररिंग्स हैं आपके बेहद खूबसूरत लगेंगे। एंड इसका मीशो के प्रोडक्ट की कोई लिंक नहीं होती है, मीशो के प्रोडक्ट्स की कोड होते हैं। अगर आप मीशो के प्रोडक्ट का जो कोड होता है उसे आप मीशो की सर्च बार पर, जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, वहाँ पर आप उसे एंटर कर देते हो, तो आपके स्क्रीन पे वही वाला प्रोडक्ट ओपन होकर आ जाएगा, एंड वहाँ से आप उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। गाइस प्लीज़, ये जो खटर पटर पीजेस चल रही है, एंड इसको आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मम्मी को इतनी बार रोक चुकी हूँ, लेकिन मम्मी तो मम्मी होती हैं, वो नहीं रोकने वाली, अभी भी देखो आवाज़ आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर अपना दिमाग चलाना बेकार है, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर रात में शूट करती हूँ, एंड अगर रात में मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरी एक दिन में 7-8 वीडियो आराम से बन जाती हैं, क्योंकि इससे पहले मैं जितनी वीडियो शूट करी हैं, अपलोड की हैं, आपने देखा होगा एक ही ड्रेस में की हैं, क्योंकि वो एक दिन की वीडियो थी। ठीक है, सो गाइस अगर आप मेरे ब्लूपर देखोगे ना तो आपको हंसी इतनी आएगी, और कुछ कहने का नहीं है। सो गाइज प्रोडक्ट के जो कोड्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाकर इसे बाय कर सकते हो। मीशो के प्रोडक्ट्स जो होते हैं बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, आप जल्द से जल्द बाय कर लीजिएगा। सो गाइज आई होप कि आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मैंने जितनी कोशिश मैं कर सकती थी इस वीडियो को आप लोगों के लिए अफोर्डेबल रखने के लिए, इन प्रोडक्ट्स को, एंड आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल बनाने के लिए। सो गाइज आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। सो गाइज मैं डेली शाम को 4 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ, सो ये रूल्स मेरा आज से ही बना है, इस वीडियो से मैं आपको बता रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम 4 बजे वाली चाय साथ में पी सकें। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और नए हॉल के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।